दोस्तों, आज की कहानी के बारे में कहने के लिए मुझे वाकई में कोई शब्द नहीं मिल रहे, और कितने ही सहानुभूति वाले लफ्ज इस्तेमाल करूं, आप मैं चाहे कितना भी कह ले, लेकिन उनकी परेशानी, उनकी यंत्रणाओं को हम महसूस तक करने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज तो सेनेगलीज भाइयों के जरिए उन सभी लोगों के उत्पीड़न, उनके शोषण की सच्ची कहानी को दर्शाया गया है, जो आपकी भी रूह को हिला देगी। अपनी राय आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मूवीज ट्राइब की पिटारे से आज है 2023 की ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी ला कैपिटिनो, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। डायरेक्टर मैटियो गरॉन, आईएमडीबी 7.6। दोस्तों, कहानियां सुनना आप इंजॉय करते हैं, पसंद आती है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि और भी आपके जैसे लोग हमसे जुड़ पाए, जिन्हें दिल से कहानियां सुनना पसंद है। इसी के साथ मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। सेडो की नींद दो कमरे के घर में भरे पड़े भाई बहनों के शोरगोल से टूट गया। वो सब आज शाम होने वाले साबर की तैयारी में मशगूल है। सेडो थोड़ी देर और सोना चाहता था, पर उसे उठना पड़ा। घर से निकलकर वो अपने चचेरे भाई मूसा को बुलाने पहुंचा। दोनों कहीं के लिए निकल ही रहे थे कि माँ ने सेडो को आवाज दी, कहा आज उसे घर जल्दी लौटना होगा, ध्यान रहे कि देरी ना हो। सेडो बोला, फुटबॉल मैच खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। मगर वो कोई मैच खेलने नहीं, बल्कि सीमेंट की बोरी सर पे उठाए मजदूरी का काम कर रहे हैं। ये काम वो पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं। हर रोज शाम को वो दिन भर की कमाई एक कागज में मोड़कर रेत में दबा देते। मूसा को पैसे गिनते देख सेडू बोला, हमें देरी हो रही है साबर के लिए, नहीं तो माँ डांटेगी। मूसा खुशी से उन मैले फटे रुपयों की गिनती करते हुए कहता है, बस कुछ दिन और, हमने काफी पैसे जमा लिए हैं। मोहल्ले में हो रहे साबर में पूरे परिवार के साथ शरीक होने के बाद रात में सेडू ने माँ से बातों बातों में जिक्र किया कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहता है, यूरोप जाकर इस घर के हालात सुधारना चाहता है, अपनी बहनों को अच्छा भविष्य देना चाहता है। कितने लोग तो इस गांव से वहाँ गए हैं, और आज उनके घर के हालात हमसे बेहतर है। माँ ने कड़े शब्दों में कहा, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि वहाँ जाते हुए कितने लोग रेत में दफन हो गए, कितने समंदर में डूब गए? तुम्हें मालूम है कितने कभी गांव लौटे ही नहीं, उनकी लाश घर नहीं पहुंच पाई। इसलिए ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, मदद करनी है तो यहाँ रहकर करो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस हवा में सांस लो जहाँ हम ले रहे हैं। ये कहते हुए माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ को गुस्से में देख सेडू ने बात बदलते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो नाराज हो गई। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मुझे जरूरत ही नहीं वहाँ जाने की, मैं तो बस आपको थोड़ा परेशान कर रहा था। छोड़ो ना माँ, भूल जाओ जो भी मैंने कहा, और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह माँ ने मूसा को खूब खरी खोटी सुना दी, कहा सेडू के दिमाग में उल्टे फुलटे ख्याल डालना बंद करो। मूसा ने ऐसे जताया जैसे उसे इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं। अब रास्ते में स्कूल जाते हुए उन दोनों की बहस हो गई। मूसा सेडू से बोला, तुम्हें क्या जरूरत है अपनी माँ को ये बताने की, तुम्हें नहीं मालूम वो हमें कभी जाने नहीं देगी। सेडू बोला, मैं तो बस देख रहा था कि माँ क्या कहती है, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मूसा ने कहा, तो क्या मुझे मेरे परिवार के लिए बुरा नहीं लगता, मगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने के अलावा। अगले कुछ हफ्ते दोनों जमकर मेहनत करते हैं, जगह जगह मजदूरी करते हैं। एक दिन घर लौटते हुए उन्हें शाम हो गई। सेडू की माँ चौराहे पर खड़ी है, उसे रह रहकर सेडू की बातें सता रही है। जैसे ही वो आया माँ उस पर टूट पड़ी, इतनी देर से कहाँ थे, फोन क्यों नहीं उठाया? एक माँ पे क्या बीतती है वो सिर्फ एक माँ ही जानती है। सेडू ने उन्हें समझा बुझा कर वापिस भेज दिया। उनकी माँ घर का खर्च चलाने के लिए गली के नुक्कड़ पर एक दुकान चलाती है, जहाँ शाम को स्कूल से लौटकर सेडू बैठता है। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का उन्हें इंतजार था। वो सिस्का नाम के किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। तंग दुकान की गलियों से होते हुए वो वहां तक पहुंचे। सिस्का टीवी रेडियो ठीक करने वाली एक दुकान में काम कर रहा है। मूसा ने जब उससे पूछा कि क्या तुम हमें उस जगह जाने की जानकारी दे सकते हो, पहले तो उस आदमी ने उन दोनों कम उम्र के नौसिखिए लड़कों को देर तक घूरा और फिर कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ कभी ना जाता। यूरोप टीवी में जितना सुंदर लगता है उतना है नहीं, वहाँ बहुत ठंड है, लोग सड़कों पर सोते हैं और वहीं मर भी जाते हैं, और दोनों को डांट कर वहाँ से भगा दिया। उस आदमी की बातें सुनकर सेडू डर गया है, उसके मन में शक घर करने लगा। मूसा ने उसे बहलाते हुए कहा, जरा सोचो, वहाँ जाकर हम गाना गाकर अमीर बन जाएंगे, गोरे लोग हमसे ऑटोग्राफ मांगेंगे,
और दोनों उन सपनों को खुली आंखों से देखने लगे जो शायद ही कभी मुमकिन हो। ये सारी बातें सुनकर सेडू बोला, मैं यहाँ से जाने से पहले किसी के पास जाना चाहता हूँ। और वहां से निकलकर वो एक तांत्रिक के पास गए और अपनी परेशानी का जिक्र किया। तांत्रिक बोला, मुझे पूर्वजों से मुलाकात करनी होगी और उनसे इजाजत लेनी होगी। 3 दिन बाद वापस मेरे पास आना होगा। मैं उस दिन बताऊंगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या जवाब दिया है। अब अगले दिन मूसा और सेडू कब्रिस्तान गए जहाँ उनके पूर्वज एक गहरी नींद में है। उन्होंने कहा कि वो एक अनजान सफर में निकल रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाए और यहाँ उनके परिवार की हिफाजत करे, उन्हें सब्र दे कि वो उनका इंतजार करे और एक दिन हम लौट आएंगे। 3 दिनों बाद जब वो वापस तांत्रिक के पास गए, उसने कहा, तुम्हें उनकी इजाजत मिल गई है, अब तुम अपना सफर शुरू कर सकते हो। निकलने से एक रात पहले सेडू अपने परिवार को सामने बैठे हंसता खेलता देख रहा है। क्या पता वो उन्हें कब दोबारा इस तरह देख सके। अब आधी रात में जब वो चुपके से अपना बैग तैयार कर रहा था तो उसकी सबसे छोटी बहन उठ गई। तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे भी ले चलो, वो बोला। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, मगर तुम्हें भी ले गया तो माँ का ख्याल कौन रखेगा, और पुचकारते हुए उसने बहन को सुला दिया। तड़के ही वो दोनों घर से निकलकर एक बस में सफर करते हैं। एक बस से दूसरे बस वो कई घंटों का लगातार सफर करके अगले दिन एक जगह पहुंचे जहाँ यूरोप के लिए नकली पासपोर्ट बनाया जाता है। हाँ, थोड़ा महंगा जरूर है, मगर और कोई रास्ता नहीं उनके पास। वो दोनों भी फोटो खिंचवाने कतार में खड़े हो जाते हैं। नकली पासपोर्ट में उनकी फोटो चिपकाकर एजेंट बताता है कि चेक पोस्ट में कोई पूछे तो तुम्हारा नाम मलिक मारा और सैनिफ बाबा है और तुम दोनों माली देश के नागरिक हो। नकली पासपोर्ट लेकर वो दोबारा बस के सफर पर निकल पड़े। रास्ते में बंदूक पकड़े आर्मी की वर्दी में कुछ लोग बस में बैठे लोगों का पासपोर्ट देखने चढ़े। अपनी घबराहट को छुपाते हुए जैसा एजेंट ने कहा था दोनों ने वैसा ही कहा, मगर उनका झूठ पकड़ा गया। कैसे? क्योंकि अभी अभी ली पासपोर्ट में लगी फोटो और उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो एक ही है। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन उन्हें कुछ पैसे लेकर छोड़ दिया गया। आखिरी बस अड्डे पे उन्हें एक आदमी मिला जो लीबिया तक पहुंचा देगा, मगर उनके पैसे खत्म होते जा रहे हैं। लगता है 6 महीने की कमाई भी आधे रास्ते में कम पड़ने लगी। उन्होंने सोचा, ज्यादा पैसे देकर ही सही, वो लीबिया तक पहुंच जाए एक बार, फिर वहां कुछ न कुछ मजदूरी करके पैसे जमा करेंगे और आगे का सफर तय करेंगे। लंबे सफर पर निकलने से पहले उस आदमी ने उन जैसे और भी कई लोगों को एक जगह ठहराया जहाँ रात गुजारने और खाने पीने का बंदोबस्त है। रात में एक आदमी उन्हें आगे आने वाले सफर के बारे में बताता है। इससे आगे रेगिस्तान का सफर बहुत ही खतरनाक है, वहाँ कई लुटेरों के गिरोह मिलेंगे जो तुम्हारे पैसे छीन लेंगे। चाहे तुम उन्हें कितनी भी अच्छी तरह से छुपाओ, कपड़ों की सिलाई के अंदर, जूतों के बीच, कहीं भी, वो उनकी नजर से बच नहीं सकती। मगर हाँ, एक जगह तुम्हारे पास महफूज रह सकती है और वो है तुम्हारे मल निकलने की जगह। पैसों को एक पन्नों में अच्छे से लपेटकर उसे अपने पीछे डाल सको तो वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उस वक्त तो सबने उस आदमी की बातों को हंसी में उड़ा दिया। मगर निकलने से पहले अपने बचे पैसों को बचाने के लिए मूसा ने वही पैतरा अपनाया। रात में उन सबको 3 अलग अलग गाड़ियों में ठूस दिया गया। पूरी रात बैठे बैठे गुजर गई। वो दुनिया के सबसे बड़े सहारा रेगिस्तान से गुजर रहे हैं। कई घंटों के लगातार सफर के बाद उन्हें बीच रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। वहाँ एक आदमी उनका इंतजार कर रहा है जो उन्हें अगले पड़ाव तक ले जाएगा। इतने पैसे लेकर उनसे झूठ कहा गया कि ये गाड़ी लीबिया तक जाएगी। उस गाड़ी में औरतें और बच्चे भी हैं। आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना होगा। दोपहर की तपती धूप में सूरज सर के ऊपर चमक रहा है, रेत में पैर जल रहे हैं। जहाँ तक नजर दौड़ाओ बस रेत ही रेत है। पता नहीं कितने ही पीछे छूट गए, कितने थक कर बैठ गए। भूखे प्यासे चलते चलते पूरी रात गुजर गई। आगे उन्होंने देखा कि उस रास्ते पे कईयों की लाशें पड़ी है जो ये सफर पूरा नहीं कर सके। तभी दूर कहीं से किसी की करहाने की आवाज आई। देखा तो कुछ मीटर दूरी पे एक अधेड़ उम्र की औरत नीचे पड़ी है। उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं और होठ पानी की तलब में सूख चुके हैं। सेडो ने उसे अपने बोतल से पानी पिलाई, फिर अपनी गोद पर सर रखकर सहलाया, कहा, आपको चलना होगा, हिम्मत करनी होगी। मगर उस औरत में और ताकत नहीं बची। सेडो को शायद अपनी माँ की याद आ गई होगी, वो उन्हें भी तो छोड़ आया है बिना बताए। मूसा ने दूर से चलाया, हम पीछे छूट गए तो खो जाएंगे, हमें निकलना होगा अभी। सेडू
किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में है, क्या करे क्या ना करे। आखिरकार उस औरत में किसी तरह की हरकत ना होता देख उसे लगा कि वो मर गई। वो आंसू भरी आंखों से वहां से उठ गया। जितने लोग चले थे उनमें से अब आधी भी बाकी नहीं बची। चलते चलते सेडू को उस औरत का ख्याल आया और उसने देखा कि वो वापस उसके पास गया है। वो सेडू को देखकर बहुत खुश हुई और इस दफा उसे होश आ गया। वो उठ खड़ी हुई और चलने की बजाय उड़ने लगी और सेडू धीरे धीरे उसका हाथ पकड़े उसे दिशा दिखाने लगा। तभी मौसा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ओह, तो ये एक सपना था जो वो खुली आंखों से देख रहा था। वो औरत तो कहीं नहीं है। अब लगातार बिना रुके चलते हुए दूसरे दिन की रात भी बीत गई। वो थक कर चूर हो चुके हैं, प्यास से गला सूख रहा है और मालूम ही नहीं पड़ता कि पैर है भी या नहीं। इतने में कुछ गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। अंदर से वर्दी में बंदूक पकड़े कुछ लोग बाहर आए। सबके डर के मारे हालत खराब हो गई। उनकी तलाशी ली गई और उनके पैसे छीन लिए गए। इसके बाद उन्हें बड़े सफेद पानी से भरे डब्बे में जुलाब की दवा मिलाकर पिलाई गई, जिसे पीकर सबका पेट खराब हो गया। और फिर उनके मलमूत्र में छुपे पैसे भी निकाल लिए गए। मौसा के पास से बरामद पैसों की वजह से उसे वो लोग उठाकर ले गए। बेचारा सेडू चिल्लाता रह गया, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। मगर वो वही खड़ा रह जाता है। अब बाकी लोगों के साथ चलते चलते कुछ दूर उन्हें लेने एक नीली ट्रक खड़ी है। उसमें उन्हें भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जाता है और फिर लेबिया के रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक जेल में डाल दिया गया। वहां जाते ही उन्हें कई गुटों में बांट दिया गया। पहले से ही कितने लोग वहां मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद उनकी भाषा बोलने वाला एक आदमी उनके पास आया और बोला, तुम्हें मालूम है कि तुम लोग कहाँ हो? एक जेल में। और ये बंदूक पकड़े लोग कोई आर्मी या पुलिस नहीं बल्कि माफिया के लोग हैं। इनसे तुम किसी भी तरह की हमदर्दी की उम्मीद नहीं रख सकते। मगर यहाँ से निकलने का एक आसान रास्ता है। वो ये कि तुम्हें अपने घर वालों का फोन नंबर देना होगा, जो तुम्हारे यहाँ से रिहाई के बदले कुछ लाख रुपए दे दे। बस इतना सा काम है, फिर तुम वापस अपने घर जा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अब उन्हें एक दूसरे कमरे में ले जाया गया जहाँ उन्हीं की तरह ही लोगों को यंत्रणाएं दी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने नंबर देने से इनकार कर दिया था। कहीं लटका कर मारा जा रहा है तो कहीं मोमबत्ती पिघला कर शरीर में डाला जा रहा है और सामने मुर्दा लाशों की ढेर पड़ी है। उनमें से कुछ लोगों ने तो डर कर उनका कहा मान लिया, मगर बाकियों के घर वालों का क्या? उनके पास इतने पैसे नहीं, नहीं तो वो आज इस हालत में यहाँ नहीं होते। और उन्हीं में से एक है हमारा सेडू। उसने भी मरना बेहतर समझा बजाय कि फोन करके माँ को परेशान करना। उसे इतना मारा गया कि मुंह सूज गया, आंखें बाहर आ गई। उसे रह रहकर माँ का ख्याल आ रहा है। इतने में उसके सामने वही तांत्रिक आया जिसके पास वो घर छोड़ने से पहले गया था। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? सेडू बोला, मैं माँ से कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, अभी जिंदा हूँ और उनसे माफी मांगना चाहता हूँ बिना बताए घर छोड़कर जाने के लिए। उस तांत्रिक ने एक फरिश्ते को आवाज दी जो दो सफेद पंखों वाला एक बच्चा है और उसे सेडू की माँ को ये पैगाम देने को कहा। सेडू एक बार अपनी माँ को देखना चाहता है। उसने फरिश्ते से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? उसने हाँ में सर हिलाया, मगर एक शर्त है, उसकी माँ ना ही उसे देख पाएगी और ना ही सुन सकेगी। इसके बाद तो जैसे सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वो फरिश्ता हवा में पंख फैलाए उड़ने लगा और उसके पीछे पीछे सेडू दौड़ रहा है। अपने घर पहुंचकर सेडू खिड़की के बाहर से अपनी माँ को आंखें भरकर देखने लगा। जब फरिश्ते ने माँ को नींद में ही कानों में उसका पैगाम सुनाया, वो सुकून से मुस्कुराने लगी। सेडू माँ माँ पुकार रहा है, पर वो उसे सुन नहीं सकेगी। और इस तरह पुकारते हुए वो वाकई में माँ माँ चिल्ला रहा है। पास बैठे एक मार्टिन नाम के आदमी ने उसे गले से लगाया और उसकी नींद खुल गई। ओह, तो ये भी एक सपना निकला। लेकिन शायद इस सपने ने सेडू के जख्मों के दर्द को कई गुना कम कर दिया, क्योंकि वो माँ को देख कर आया है। अब सुबह कैदियों से पूछा गया, तुम में से लकड़ी का काम किसे आता है? चमड़ी का काम कौन करता है? राजमिस्त्री का काम किसे आता है? कैदियों में से जिसे जो काम आता था उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और उन्हें अलग कमरे में ले जाया गया। मार्टिन जिसने सेडू को संभाला था उसे राजमिस्त्री का काम आता है। उसने जबरदस्ती अपने साथ सेडू का हाथ भी ऊपर करवा दिया। बाहर कमरे में उनकी बोली लग रही है। अमीर लोगों के दलाल उनके भाव लगाकर अपनी जरूरतों के मुताबिक उन्हें खरीद रहे हैं। सेडू और मार्टिन की भी बोली लगा दी किसी ने। उन्हें देश के दूसरे छोर ले जाया गया
वहाँ एक रईस आदमी के घर के चारों ओर एक दीवार बनानी है। रहना खाना उनके यहाँ मुफ्त रहेगा, मगर काम के बाद। धीरे धीरे वहाँ सैदू काम सीखने लगा। काम के आखिर में उन्हें भरपेट खाना और सोने के लिए चारपाई मिलती। जिस परिस्थिति से वो गुजरे हैं, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं उनके लिए। एक दिन मार्टिन ने उसे एक तस्वीर निकाल कर दिखाई जो उसके परिवार की है। 19 साल की बेटी, फिर 18 साल की एक और बेटी, बगल में उसकी पत्नी और हाँ उसका एक 16 साल का बेटा भी है जॉन। शायद इसीलिए वो सैदू का इतना ख्याल रखता है। सोचता होगा कभी उसका बेटा मुसीबत में पड़ जाए तो उसे भी कोई अच्छा रहम दिल इंसान मिले। सैदू से पूछने पर उसने बताया कि उसके बाबा नहीं है और माँ को बिना बताए वो अपने चचेरे भाई के साथ भाग आया। भाई जिसे रेगिस्तान में पुलिस पकड़ कर ले गई, अब मालूम नहीं वो कहाँ है। मार्टिन उसके हालात समझता है। फिर एक दिन उन्हें खुशखबरी मिली जब दलाल ने आकर बताया कि वो उनके काम से खुश है और उन्हें एक हूबहू ऐसा दिखने वाला बीचों बीच एक पानी का फुआरा बनाना होगा। अगर मालिक को वो पसंद आया तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। अब दोनों रात दिन उस फुवारे को बनाने में लग गए। मेहनत मजदूरी में दिन ढल जाने के बाद अक्सर रात में सैदू अपने भाई को लेकर फिक्र करता। ना जाने वो इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है। और एक दिन उनका काम पूरा हो गया। मालिक की बीवी को वो खूबसूरत पानी का फुआरा बेहद पसंद आया। दलाल ने ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए उन्हें बताया कि ये उसने विदेश से मंगवाया है, जबकि उसे बनाने वाले हाथ तो दूर झाड़ियों में से खड़े देख रहे हैं। दलाल ने दूर से ही इशारा करके उन्हें बताया कि काम बखूबी बनाया गया है। जल्द ही उन्हें रिहाई मिल गई और उन्हें लीबिया के एक शहर त्रिपोली में छोड़ दिया गया। अब यहाँ से उन दोनों के रास्ते अलग अलग है। मार्टिन को अपने घर जाना है और सैदू को मूसा को ढूंढने। एक दूसरे को अलविदा कह दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। सैदू एक शरणार्थी गृह से दूसरे में घूम घूम कर मूसा को ढूंढने लगा। वो एक साथ घर से निकले थे, एक साथ ये सफर शुरू किया था। अब वो मूसा को बिना साथ लिए आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो शाम तक नहीं मिला, तब सैदू ने वही कहीं मजदूरी का काम कर रहने का मन बना लिया। रात में सूखे चावल नमक के साथ खाते हुए उसे माँ की बड़ी याद आती। वो कितना ख्याल रखती थी मेरा। ऐसे समय गुजरने लगा। अब वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा है। बीच बीच में वो मूसा का पता लगाता रहता। एक दिन उसे सामने वाली बिल्डिंग से किसी ने आवाज दी, कोई तुम्हारे गांव से आया है, बीमार लगता है। ये सुनते ही सैदू सारा काम छोड़कर उस ओर दौड़ पड़ा। अपने भाई को पुकारते हुए उसे कोई कंबल सर तक ढके लेटा दिखा। कंबल हटाने पे वो मूसा निकला। उसे देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। और मूसा, उसे तो जैसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा हो। वो ना हंस पा रहा है ना बोल पा रहा है। फिर उसने बताया, वो लोग मुझे जेल ले गए थे और वहां से भागते वक्त ही मुझे गोली लग गई। मैं अब घर जाना चाहता हूँ। तुम सही थे सैदू, हमें कभी घर छोड़कर भागना नहीं चाहिए था, हम वापस घर चले जाएंगे। मगर अब सैदू नहीं जाना चाहता और कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हो, यूरोप कितना पास है यहाँ से, बस एक समंदर की दूरी है। हम इतना कुछ ढेर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, अब वापस नहीं जा सकते। फिर वो उसे अस्पताल ले जाने की बात करता है, मगर मूसा बोला, वहाँ भर्ती नहीं मिलेगी। फिर सैदू उसे वही काम करने वाले एक मजदूर के पास ले गया जो पहले दवा खाने में काम करता था। उसने कुछ दवाइयाँ लिखकर सैदू को जल्द से जल्द लाने को कहा। गोली तुम्हें छूकर निकली है, शुक्र है हड्डी तक नहीं पहुँची, वरना पैर काटने पड़ते। कुछ दिन वही रहकर मरहम पट्टी करने के बाद भी जब मूसा के पैर की हालत ठीक नहीं हुई तो उस आदमी ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा। जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, मगर इससे आगे ऑपरेशन की जरूरत है जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मूसा को अपने पैर गंवाने भी पड़ सकते हैं। उसके पास ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों का वक्त है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ काले लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं दिया जाता। सैदू सोच में पड़ गया, क्या करे, कहाँ जाए। या तो वो पीछे जा सकता है अपने घर, जिसके बाद उन्हें जिंदगी में कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा, या तो यहाँ से आगे जा सकते हैं। बहुत सोचने के बाद वो वहाँ एक एजेंट से मिलने गया जो पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से लोगों को समंदर पार कर दूसरे देश के सरहद तक पहुँचाता है। उस आदमी को सारे पैसे देकर सैदू ने कहा कि उसे यूरोप जाना है, मगर ये पैसे तो बहुत कम है, एजेंट बोला। सैदू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा भाई जख्मी है, उसे अस्पताल ले जाना जरूरी है, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। एजेंट ने थोड़ा सोचने के बाद पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है। 16 साल, सैदू बोला। फिर एजेंट ने बगल वाले आदमी से कुछ बातें की और कहा, ठीक है, हम तुम्हें जाने का मौका दे सकते हैं, एक के ही पैसे में तुम अपने भाई को भी लेकर जा पाओगे,
यहाँ से इटली एक दिन का सफर है बस। ये सुनकर तो सेडू बहुत खुश हो गया, लेकिन इतनी आसानी से कहा। शर्त है कि समंदर का नाव उसे चलाना होगा। पहले तो सेडू को बात समझ नहीं आई, मैं कैसे नाव चला सकता हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैंने तो कभी इतना पानी एक साथ देखा भी नहीं है। एजेंट बोला, उसकी चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बहुत ही आसान है, ऊपर से तुम अभी नाबालिग भी हो, पकड़े जाने पे तुम्हें जेल भी नहीं होगी। खुशी खुशी सेडू बात पक्की करके वापिस आ गया। जब मूसा ने ये बात सुनी, पहले तो वो भी चौंक गया, पर इटली जाने की बात सुनकर वो भी वहां जाने के सपने देखने लगा। अगली रात उन्हें सुनसान एक समंदर किनारे खंडहर में ले जाया गया। वहां इतने सारे लोगों को देखकर उन्हें लगा कि शायद एक से ज्यादा नाव जा रही होगी। फिर एजेंट सेडू को वही किनारे लगी एक जंग लगी पुरानी नाव पर ले गया और इंजन रूम ले जाकर बताने लगा, देखो यहाँ से नाव का इंजन स्टार्ट करना है, ये आगे जाने के लिए और ये वाला पीछे, और इस बटन से स्पीड बढ़ाते हैं। मैंने कहा था ना, बड़ा ही आसान है, बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई ऊंची लहर आए तो नाव को मोड़ना नहीं, सीधा लहर की तरफ बढ़ते जाना, नहीं तो नाव पलट सकती है। हमेशा उत्तर की तरफ बढ़ना, और अगर नाव बंद पड़ गई तो इस नंबर पर फोन लगाना, वहां से तुम्हें मदद मिल जाएगी। उन्हें अगली रात यहां से रवाना होना है। उस वक्त तो सेडू चुपचाप वापस आ गया, मगर जब रात में इतने लोगों को उसने सोता देखा, जहां औरतें और छोटे बच्चे भी शामिल है, और वो इतने सारे लोगों की जिंदगी का जिम्मेदार होगा, वो डर गया और एजेंट से जाकर बोला, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इतनी बड़ी नाव अकेले नहीं चला सकता, तुम किसी और को ढूंढो, इतने सारे लोगों की जान का जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। लेकिन उसकी एक न सुनी गई और रात में सबको उसी नाव पे चढ़ा दिया गया। अब यहाँ इंजन रूम में सेडू नाव की स्टीयरिंग पकड़े खड़ा है, वो पलक तक नहीं झपक रहा, नजर एक टक सामने है। कई घंटे यूं ही गुजर जाने के बाद कभी कभी सेडू को लगता है जैसे समंदर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और मूसा बार बार समझाता है, नहीं ऐसा नहीं है। लगभग 5 घंटे गुजर जाने के बाद एक गर्भवती महिला को नाव के हिचकोले की वजह से पेट में तेज दर्द शुरू हो गया, वो करहाने लगी। नाव में इतने लोग हैं कि पैर तक रखने की जगह नहीं है। जैसे तैसे सेडू उस औरत तक पहुंचा, उसे हिम्मत देते हुए कहा, हम मदद बुला रहे हैं, आप हिम्मत रखें। इंजन रूम में आकर वो लगातार एजेंट के दिए नंबर पर फोन घुमाने लगा। उसने अपनी परिस्थिति बताई। लाइन पार बात कर रही महिला कभी कहती कि हम मदद भेजेंगे, कभी कहती इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और कुछ देर बाद दोबारा फोन करने पर कहती है, माफ करिए आप अंतर्राष्ट्रीय समंदर में है, नजदीक में मौजूद हर देश कह रहा है कि आप उनकी सरहद में नहीं आते, इसलिए वो मदद नहीं भेज सकते। ऐसे कई बार यहाँ वहाँ फोन लगाने के बाद सेडू समझ गया कि कोई मदद नहीं आने वाली, अब उसे खुद ही उन सबको सुरक्षित किनारे तक पहुँचाना होगा। वो रात जैसे तैसे बीती। अगले दिन से नाव में सफर कर रहे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, लोग उल्टियां करने लगे, बेहोश होने लगे, पानी की कमी की वजह से उनमें झगड़े भी हो रहे हैं, पूरे नाव में अफरा तफरी मची है, जिससे नाव और जोर से हिचकोले खाने लगा। उसके बाद सेडू ने उन सबको शांत रहने को कहा, लोगों को हौसला दिया कि हम सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएंगे, आप सब हिम्मत रखें, सफर जल्द ही खत्म हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। और ऐसे एक और रात बीत गई। 2 रातों से बिना सोए सेडू की आंखें नींद की बोझ से दब रही है। पास मूसा की हालत भी ठीक नहीं है, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वो सही रास्ते पर है भी या अपनी मंजिल से भटक चुके हैं, क्योंकि दूर दूर तक बस पानी ही पानी है और वो चलते जा रहे हैं। अगर गुम हो गए तो उन्हें कौन ढूंढेगा, क्या वो सब यही समंदर की तलहटी में हमेशा के लिए खो जाएंगे। उनकी हिम्मत पस्त हो रही है कि तभी अचानक दूर से कोई बड़ा सा ढांचा जैसा नजर आया और उन्होंने महसूस की जमीन। उन्हें एहसास हुआ कि जमीन देखने का सुख क्या होता है। वो इटली की सरहद में घुस चुके हैं। तभी कोस्ट गार्ड्स हेलीकॉप्टर में वहां आए, उन्हें ढूंढ लिया गया है, वो अपनी मंजिल तक आखिरकार पहुंच ही गए। सेडू ने उन्हें सही सलामत वहां तक पहुंचा दिया, सबने उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखें खुशी से छलछला उठी। आज तो उसके आंसू इस समंदर के खारेपन को भी मात देते, वो खुशी के मारे उछल पड़ा, आखिर वो अपने सपनों के शहर पहुंच ही गए। आगे उनकी तकदीर में क्या लिखा है, क्या ये शहर उन्हें अपनाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल उनके सफर की ये कहानी यही खत्म होती है और मैं भी अब अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।